नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नए सप्ताह में। एक बार फिर से मैं पवन सिंह अपने संस्थान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और जो हमारी आगामी बहुचर्चित प्रतीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, उसके तहत अपनी तैयारी को बहुत अधिक मनोबल के साथ कर रहे होंगे। तो साथियों, आइए उसी तैयारी में आज एक नए उत्साह के साथ हम अपने 40वें अंक के साथ आपके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी चर्चा को करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आज के इस सत्र को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे द्वारा ये जो चलाई जा रही मुहिम है उससे लाभान्वित हो सके। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारी आज की चर्चा साथियों, पहला प्रश्न जो हमारा है, देखिए वो वाक्यांश से संबंधित है। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपकार के लिए, उपकार के प्रति किया गया उपकार के लिए एक शब्द क्या होगा, उपकार के प्रति किया गया उपकार क्या होगा। तो आंसर फर्स्ट देखो, परोपकार ए, बी उपकारी, सी प्रत्युपकार और डी सदोपकार। डी सदोपकार। तो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो देखे उपकार के लिए किया गया उपकार। साथियों यहाँ पर देखे, कई साथी हमारे जो है यहाँ पर तुरंत देखते देखते ही वो एक विकल्प पर पहुंचे होंगे जो कि क्या है, परोपकार। देखिए इसका आंसर परोपकार नहीं होगा। परोपकार का मतलब क्या होता है, परोपकार का मतलब होता है किसी दूसरे पर किया गया उपकार, दूसरे पर किया गया उपकार, दूसरे पर किया गया उपकार क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या है, उपकार, यानी दूसरे पर कोई उपकार किया और उसके बाद फिर से उस पर कोई उपकार करे, यानी एक मतलब ये है कि परोपकार के बाद पुनः उपकार करना, यानी वो कहलाएगा प्रत्युपकार। आंसर सी, तीसरा इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा प्रत्युपकार। और यहाँ पर देखिए, इस पद को तोड़ोगे तो साथियों ये पद क्या बनेगा, ये पद बनेगा प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार। ठीक है, यानी उपकार के प्रति पुनः उपकार करना। प्रति का मतलब देखो, प्रति उपसर्ग के रूप में यहां पर आया है और प्रति उपसर्ग का मतलब किसी भी चीज की आवृत्ति से संबंधित होता है, किसी भी चीज के रिपीटेशन से संबंधित होता है। तो यानी प्रति शब्द आ गया, तो यानी उपकार के ऊपर पुनः उपकार करना क्या कहलाएगा, प्रत्युपकार कराएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, तो शत्रु की हत्या करने वाला, ठीक है, शत्रु की हत्या करने वाला, पहला पद है हत्सारा, दूसरा शत्रुहंता, तीसरा निर्दय और चौथा शत्रुघ्न। तो देखो, दो पद तो यहां से हटा दो, देखते ही हत्सारा तो पद ही नहीं सुने होंगे। अगर यहां पर हत्यारा होता तो एक बार पद बन भी सकता था कि हत्या करने वाला क्या कहलाता है, हत्यारा कहलाता है, हत्या करने वाला क्या कहलाता है, हत्यारा। लेकिन यहां पर हत्या नहीं पूछ रहा, यहां पर क्या पूछ रहा है, शत्रु की हत्या। ठीक है, तो यहां पर देखो दो पद हट गए, हत्यारा और निर्दय हट गया, बचा शत्रुहंता और शत्रुघ्न। तो ध्यान रखो, यहां पर इस पद को देखोगे तो यह पद टूटेगा, शत्रुधन हंता, शत्रुधन हंता। और यहां पे हंता शब्द देखोगे ना मेरे भाई, तो हंता का मतलब क्या होता है, हत्या करने वाला। अभी हत्या करने वाला किसका हो गया, हत्या किसकी कर रहा है, शत्रु की कर रहा है। तो हो जाएगा शत्रु की हत्या करने वाला पद हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शत्रुहंता। ठीक है, शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है, शत्रुघ्न का अर्थ होता है कि जिसका शत्रु भी, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिससे जिससे शत्रु भी भयभीत हो, जिससे शत्रु भी भयभीत हो, ऐसे पद के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐसे पद के लिए हम, ऐसे वाक्य के लिए, ऐसे वाक्य के लिए हम शत्रुघ्न का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा, जिससे शत्रु भी भयभीत हो उसके लिए पद होता है शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक विकल्प बोल बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो निर्दय शब्द को अगर देखोगे बेटा, तो ये टूटा निह धन दय में। ठीक है, ये निह धन दय में, और दय मतलब दया का पद हो गया, और नि उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, यानी जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या कहलाता है, निर्दय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उस शब्द का चयन आपको करना है, एक पुल्लिंग है उस शब्द का चयन करना है। विकल्प ए योगिनी, बी दया,
सी शान और डी वृद्ध। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक पद को देखो, तो हमने सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि देखो लिंग 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 को देखने के लिए दो तरीके हमने आपको बताए। एक सबसे कॉमन तरीका जो होता है वो क्या होता है कि उसका क्या कर लो, उस शब्द का प्रयोग कर लो, उस शब्द का प्रयोग कोई छोटा सा वाक्य बना करके उस शब्द का प्रयोग देख लो, उस शब्द के प्रयोग में क्रिया का जो लिंग और वचन होगा, क्रिया का जो क्या होगा लिंग और वचन होगा, वही उस शब्द का लिंग और वचन हो जाएगा, वही उस शब्द का क्या होगा लिंग और वचन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा शब्द हमने क्या बताया था कि किसी भी पद में क्या प्रत्यय का प्रयोग करके, किसी भी पद में क्या प्रत्यय का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से उस पद का स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से उस पद का स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब यहां पर देखो, यहां पर बेटा दोनों पदों पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो एक पद है योगिनी, दूसरा पद है दया, तीसरा पद है शान और चौथा पद है वृद्ध। अब जरा यहां पर देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर जैसे हमने की कि उस दया को देखे तो हमने कहा कि दया दिखाई, ठीक है, दिखाई। अब यहां पे क्रिया देखो क्या हुई, दिखाई हुई, ठीक है। या हम यहां पे दूसरा पर लिखे शान, शान बढ़ाई, ये कोई बोलता है कि उसने मेरी शान बढ़ाया, कभी सुने उसने मेरी शान बढ़ाया। या दूसरे शब्दों में कहो तो यहां पर शान को देखो तो यहां पे हम क्रिया नहीं कह रहे, यहां पे शब्द के प्रयोग के साथ सर्वनाम को भी देख सकते हैं, यानी सर्वनाम का प्रयोग यानी विशेषण के रूप में, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। तो हम यहां क्या बोले, हम यहां बोल सकते हैं मेरी शान, ऐसे देख लो मेरी शान। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है तो यहां पे मेरी पद किसका है, जरा देखो हमको पता है संबंध कारक की विभक्ति रा री रे होती है, और रा जो होता है वो पुल्लिंग की होती है, री जो होती है वो स्त्रीलिंग की होती है, और रे जो होता है वो बहुवचन का पद होता है। तो यहां पर देखो मैं के साथ री पद जुड़ा है, मैं के साथ री पद जुड़ा, और री किसका होता है, री जो होता है वो स्त्रीलिंग का पद होता है, यानी अगर ये पद किसका है, ये पद स्त्रीलिंग का है, तो यहां पर ये शान भी कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा, किसका हो जाएगा, स्त्रीलिंग का। तुमसे पूछ कौन सा रहा है, तुमसे पुल्लिंग पूछ रहा है, तो देखो ये शान हट गया। अब बताओ एक दिखाई की जगह दिखाया पद भी होता है, दिखाया पुल्लिंग का हो गया, दिखाई पद क्या हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया। अब यहां पर क्रिया दिखाई जो है वो स्त्रीलिंग क्या रही, तो दया भी क्या हो गई, दया भी स्त्रीलिंग का पद हो गया, यानी ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब जरा ध्यान देखो, हमने तुमको बताया है दूसरा तरीका, हमने क्या बताया, दूसरा तरीका हमने बताया कि प्रत्यय का प्रयोग करके। अब जरा ध्यान से देखो, एक पद होता है इनी प्रत्यय, क्या होता है इनी, इनी प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, इनी प्रत्यय का प्रयोग करके क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब अगर हम पूछे भैया योगिनी पद जो है इसका मूल पद क्या है, तो हर कोई जानता है क्या है, योग होता है, क्या होता है, या एक पद करें तो योगी हो गया, क्या हो गया, योगी हो गया, योगी पद। अब योगी पद जो है वो किसका होता है, योगी पद जो होता है पुल्लिंग का होता है। अब इसमें क्या किया, इनी प्रत्यय का प्रयोग किया, तो ये शब्द क्या बन गया, योगिनी, यानी यहां पर ये पद भी किसका है, स्त्रीलिंग का है, यानी इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, इसका पुल्लिंग बनेगा योगी, यानी ऐसा शब्द जिसके प्रारंभ, जिसके अंत में ई आए, ऐसा कोई पद या शब्द जिसके अंत में ई आए, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से आ प्रत्यय का प्रयोग करके, किसका, आ प्रत्यय का प्रयोग करके भी स्त्रीलिंग का पद बनाते हैं। जैसे ये पद देखो, ये पद है वृद्ध, ठीक है, तो वृद्ध का स्त्रीलिंग होता है वृद्धा, क्या होता है, यहां पर किसका प्रत्यय, यहां पर हम क्या, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बनता है, प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनता है। तो हमने यहां पर आ प्रत्यय का प्रयोग किया और यह शब्द क्या बन गया, यह शब्द वृद्धा बन गया, यानी यह शब्द बना स्त्रीलिंग का, तो यह शब्द किसका हो गया बेटा, यह जो हमारा शब्द है यह शब्द हमारा पुल्लिंग का हो गया, किसका हो गया, पुल्लिंग का हो गया। और हमसे पूछ कह रहा था पुल्लिंग का पद पूछ रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वचन है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक वचन के प्रश्न को देखेंगे। तो देखो यहां पर पहला है सोना, दूसरा प्राण, तीसरा दर्शन और चौथा बाल। साथियों हमने आपको पॉइंट बताए थे बहुत आसानी से, बहुवचन और एकवचन के लिए जब हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, तो वहां पर हमने कई बार आपसे कहा है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो होता है सदैव बहुवचन के रूप में होता है, सदैव यानी उनका एक वचन बनता ही नहीं है। तो ऐसे पदों में हमने आपको लिखवाया था बेटा, अगर आपको याद हो कि बहुवचन, ठीक है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले पद है, तो वहां पर हमने लिखाए थे प्राण,
प्राण, दर्शन दर्शन, ठीक है, बाल बाल बाल, उसके बाद आंसू आंसू आंसू, उसके बाद समाचार समाचार, और भी अन्य बहुत ढेर सारे पद थे, हमने आपको वहाँ पर मेंशन करवाए थे। तो देखो ये सारे पद जो है वो सदैव बहुवचन के रूप में होते हैं, यानी प्राण प्राण दर्शन और बाल, ये सारे पद किसके होंगे, ये सारे पद बहुवचन के होंगे, यानी इनका कभी भी एक वचन के रूप में प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वचन का पद क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है। और एक छोटा सा देखो देखो हम क्या बोले, देखो एक शब्द होता है विशेषण का, अगर बोलो पीला पीला, ठीक है, तो पीला ये क्या हो गया, पीला जो विशेषण है ये किसका हो गया, ये पुल्लिंग का हो गया। अब इसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या बनाओगे, पीली बनाओगे, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पीली। और ये दोनों पद किसके बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों पद किसके हैं, एक वचन के हैं, किसके हैं, एक वचन के हैं, है ना। और अगर हम बोले इसका बहुवचन, तो बेटा इसका बहुवचन बनेगा पीले, ठीक है, पीले, जैसे कपड़े हमने बोला। अब देखो जैसे हमने बोला कपड़ा, तो कपड़ा क्या है, पुल्लिंग का पद है, तो इसके लिए क्या आएगा, पीला कपड़ा, पीला कपड़ा। और अगर हमने बहुवचन बताया, हमने बोला कपड़े, तो क्या पीला कपड़े बोल सकते हो, नहीं, क्या बोलोगे, पीले कपड़े। तो देखो पीले और पीला एक शब्द क्या हुआ, ये एक वचन का पद था जो पीला और पीली, तो पीले किसका हो गया, बहुवचन का पद हो गया, किसका हो गया, बहुवचन। इसी प्रकार से अगर हम बोले कि सोना, सोना कैसा होता था, हम बोलते हैं सोना, देखो सोना पीला होता है, कभी बोलते हो सेना सोना पीले होता है, सोना पीले होता है, नहीं बोलते हो ना, सोना पीला होता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, पीला, और पीला कैसा है बेटा, एक वचन का पद है, तो सोना भी कैसा हो जाएगा, एक वचन का पद हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पक्की बात है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको आप बैठा लो, बहुत बढ़िया लॉजिक है आपके लिए कि किसी पद में लिंग और वचन की पहचान करनी हो तो दिए गए पद के साथ आप किसी क्रिया का या किसी विशेषण का प्रयोग कर लीजिए, क्रिया और विशेषण का जो लिंग और वचन होगा उस पद में वही लिंग और वचन होगा, एकदम राम मार, एकदम बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, कहीं भी ये आपका लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बेटा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई चारपाई किस कारक में है, यानी चारपाई पद में कौन सा कारक है, ये पद दिया है, ठीक है। और आपको मालूम है बेटा प्रत्येक कारक की क्या होती है, प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है, प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है। और उस विभक्ति से पहचान हम किसकी करते हैं, किसी दिए गए पद में कारक की पहचान करते हैं, किसी दिए गए पद में कारक की पहचान करते हैं। जरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर बात करें तो इस चारपाई के साथ विभक्ति कौन सी लगी है, पर लगी है, इस चारपाई के साथ विभक्ति कौन सी लगी है, पर लगी है। पर विभक्ति जो होती है बेटा किसकी होती है, पर विभक्ति जो होती है वो अधिकरण कारक की होती है। अच्छा अब देखो, हम विभक्ति, जो विभक्ति होती है हमेशा उसका पद जो होता है, हमेशा ध्यान रखना विभक्ति का जो पद होता है वो उसके पहले प्रयोग होता है, यानी ये अधिकरण कारक अगर पूछे, अधिकरण कारक अगर पूछे तो वो किस पद में होगा। देखो यहां पर एक पद चारपाई और एक पद भाई है, ठीक है, एक पद चारपाई और दूसरा पद भाई है। अगर हम पूछे कि यहां पर किस पद में अधिकरण कारक होगा, तो हमेशा रखना विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो सदैव पद के बाद में होता है, विभक्ति का प्रयोग सदैव पद के बाद में होता है, यानी विभक्ति से जो पहले पद प्रयोग होता है उस पद की वो संबंधित विभक्ति होती है। तो यहां पर ये अधिकरण कारक का जो प्रयोग होगा वो किस पे होगा, चारपाई पर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। जरा विकल्प देखो, ए रवि पढ़ रहा है, बी सिया गई, सी आज बारिश हो सकती है, और डी वह खाता है। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे भूतकाल की पहचान पूछ रहा है, भूतकाल की पहचान पूछ रहा है। और यहां पर देखो, हमने बहुत आसानी से आपको बताया है कि सामान्यता हमेशा नहीं, जरा ध्यान रखना, सामान्यता अगर है पद का प्रयोग होता है तो है पद वाला वाक्य कैसा होता है, वर्तमान का होता है। देखो ये हमेशा नहीं सही होगा, ठीक है, क्योंकि है पद का प्रयोग तुम्हें आसन्न भूत में भी मिलता है, भूतकाल का एक भेद होता है, आसन्न भूत में भी मिलता है। लेकिन चलो अभी फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लें। तो यहां पर देखो, यहां पर रहा है, यहां पर सकती है, और यहां पर ता है, यहां पर है का प्रयोग हो रहा है, तो ये तीनों वर्तमान से संबंधित हो गए। तो बचा क्या, बी आंसर, सेकंड जो होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पहचानना भी हो तो ध्यान रखो, हमने आपको बताया था आ ई ए, आ ई ए, अगर किसी
अगर किसी वाक्य के अंत में आए या क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आ ई ए का प्रयोग हो, तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे वाक्यों में कौन सा काल होता है? तो ऐसे वाक्यों में सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि यहां पर भूतकाल हो गया, यहां पर क्या हो गया? भूतकाल हो गया। और अगर पूछे कि भूतकाल का कौन सा भेद है, तो बेटा यहां पर लिख देना, यहां पर सामान्य भूतकाल है। कौन सा है? सामान्य का भूतकाल है। वो कैसे है? तो क्रिया देखो, क्रिया बेटा यहां पे क्या है? क्रिया है गई। क्रिया क्या है? गई, ठीक है। और गई आखिरी में देखो किसका प्रयोग हुआ? आखिरी में ई का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? ई का प्रयोग हुआ। तो यहां पर देख लो, ई का प्रयोग होने के कारण यहां क्या हो गया? सामान्य भूतकाल का वाक्य हो गया, यानी आंसर आपका हो गया भूतकाल का वाक्य, आंसर सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बेटा? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लघुर्मि में कौन सी संधि है, लघुर्मि में कौन सी संधि है। तो साथियों अगर इस पद को आप तोड़ लो तो मेरे ख्याल से सभी मेरे बच्चे इस पद को बता सकते हैं। तो इसको टूटेगा लघुधन उर्मि में, लघुधन उर्मि में पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिला बेटा? मिला पहले पद का अंतिम वर्ण उ, और दूसरे पद का अंतिम वर्ण क्या मिला? दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण मिला उ। अगर हम बात करें तो दोनों पद कैसे हो गए बेटा? दोनों पद समान हो गए। दोनों स्वर पद कैसे हो गए? समान स्वर हो गए। और समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि क्या कहलाती है? समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। समान स्वरों के मेल से होने वाली संधि क्या कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन, भूखंड शब्द में समास है, भूखंड शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधार है, बी द्वंद, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। डी तत्पुरुष। तो ध्यान रखिएगा साथियों, भूखंड की अगर हम बात करें तो हम इसको बोल क्या सकते हैं? इसको बोल सकते हैं भूमि का खंड। क्या बोल सकते हैं? भूमि का खंड। और देखिए साथियों यहां पर दो पद क्या है? एक पद है भूमि और दूसरा पद है खंड। इसके बीच में किसका प्रयोग हो रहा है? का। और का जो होती है बेटा वो क्या होती है? का होती है विभक्ति। क्या होती है? का होती है विभक्ति। और हम सभी जानते हैं विभक्ति और कारक का प्रयोग यदि किसी समास में होता है तो बेटा उसमें कौन सा समास होता है? उसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अब साथियों देखिए, अगर इस पद की हम चर्चा करें तो का की के जो होती है वो किस कारक की विभक्ति होती है? तो साथियों वो संबंध कारक की विभक्ति होती है। किसकी होती है? संबंध कारक की विभक्ति होती है। और याद रखिएगा, अगर पूछे यहां तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पर संबंध कारक तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध कारक तत्पुरुष समास है। संबंध कारक तत्पुरुष समास है। पक्का? मेरे ख्याल से बेटा यह प्रश्न भी आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। कई लोग यहां पर देखो, एक दिक्कत क्या की है ना, कई लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे ये योजक चिन्ह को देख करके। योजक चिन्ह को देख करके यहाँ क्या लगा देंगे? कई मेरे भाई द्वंद्व लगा देंगे, क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग प्राय ने करा जाता द्वंद्व। लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे टूट रहे, यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ एक चीज बहुत याद करने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है योजक चिन्ह के साथ। वहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, वहां पे जो पद हैं, पद किस प्रकृति के होंगे ये जरूर याद रखना। पद विपरीतार्थक प्रकृति के हों। किसके हों? विपरीतार्थक प्रकृति के हों। विपरीतार्थक प्रकृति के हों। विपरीतार्थक प्रकृति के होंगे तो वहां पर कौन सा समास होगा बेटा? द्वंद्व समास होगा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ए थोड़ा, बी नागपुरी, सी का बेईमान और डी प्रत्येक। तो यहां पर देखो बेटा, गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण यहां पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण यहां पर हो जाएगा सी बेईमान। अब देखो ये बेईमान शब्द जो है ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और बाकी के तीनों पद हैं वो बाकी के तीनों जो है वो असंगत हो जाएंगे, उसका गुण से कोई लेना देना नहीं। यहां पर देखो, चाहे थोड़ा पद हो और चाहे प्रत्येक पद हो, प्रत्येक पद की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना प्रत्येक पद जो होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। कैसा होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। और अगर इसकी बात करेंगे थोड़े पद की, तो थोड़ा पद जो होगा बेटा ये क्या हो सकता है? ये परिमाणवाचक के रूप में प्राय प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है? परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो 11वां है, उचित शब्द तत्सम रूप पहचानना है, उचित तत्सम रूप बताना है। तो यहां पे फिर से साथियों देखो, तत्सम की बात करें तो आपको वो शब्द देखना है जो कैसा हो? संस्कृत के जैसा हो। कैसा हो? संस्कृत के जैसा हो। अब जरा यहां पर देखो, अक्षर, बी नागपुरी, सी अक्षर और डी अक्षर। तो मेरे भाई जानते हो,
हमने आपको पहचान बताई थी, तत्सम के लिए हमने आपको बताया था कि अगर अगर किसी पद में किसका संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो, तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन का मतलब हुआ छ छ त्र त्र ज्य ज्य और स्र, ठीक है, स्र, ये अगर किसी में प्रयोग हो तो प्रायः ऐसे शब्द कैसे होते हैं, प्रायः ऐसे शब्द किसके होते हैं, तत्सम के हो जाते हैं, किसके हो जाते हैं, तत्सम के हो जाते हैं, अगर प्रायः ऐसे शब्द तत्सम के हो जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए किस में हो रहा है, तो साथ ही यहाँ पर अक्षर में हो रहा है, किस में हो रहा है, अक्षर में, तो स्पष्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, और अगर देखो तो साथियों इसका तद्भव बनेगा आखर, हमने क्या बताया था, हमने एक पॉइंट आपको और बताया था कि तत्सम से तद्भव का परिवर्तन, तद्भव का परिवर्तन प्रायः क्या होता है, प्रायः उसमें छा जो है वो किसमें, खा में बदल जाता है, त्रा जो है उसमें ता में बदल जाता है, अधिकांश आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जहाँ छा खा में और त्रा तामे बदलता है, तो ये तत्सम से तद्भव का रूपांतरण हो जाता है, पहचान भी आपके लिए बड़ी स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प ए क्या है, विकल्प ए है जंगल, बी है अरण्य, सी विपिन और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा कानन का मतलब बेटा होता है वन या जंगल, वन या जंगल, तो आप अगर देखें तो यहां पर जंगल, बी अरण्य और सी विपिन, ये तीनों ही कानन के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, कानन के पर्यायवाची हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा अगर करें तो अगला प्रश्न क्या है बेटा, अथ का विलोम है, अथ का विलोम है, विकल्प ए अंत, बी इति, सी अर्थ और डी अध, ठीक है अध, तो यहां पर देखो अगर देखें तो यहां पर अथ का मतलब क्या होता है, अथ का मतलब होता है बेटा प्रारंभ, अथ का मतलब क्या होता है प्रारंभ, तो इसका विलोम क्या मिलना चाहिए, समापन से मिलना चाहिए, समापन से मिलना चाहिए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अथ का विलोम हो जाएगा इति, इति का मतलब क्या होगा समापन, क्या होगा समापन, ठीक है विलोम हो जाएगा समापन, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम बात करें तो यहां पर जरा देखो, अगर अंत की बात करें तो इसका विलोम लिख लो, अंत का विलोम होगा अनंत, अंत का विलोम होगा अनंत, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, और अग का विलोम बेटा ये अग है, थोड़ा ध्यान देखना अग है, ठीक है अग का विलोम बनेगा अनघ, ठीक है अनघ, अग का विलोम क्या बनेगा अनग बन जाएगा, तो ये आपके इस प्रश्न के आंसर ऑप्शन बी, और बाकी हमने इस पदों के विलोम लिख दिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना, फिर से वाक्यांश, आपका वाक्यांश क्या है, तो जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो इसके लिए एक पद क्या होगा, तो देखिए ए पहला मधुभाषी, बी अमितभाषी, सी अपभाषी और डी मितभाषी, तो ध्यान देखो कम शब्द बोलने वाले के लिए जो पद प्रयुक्त होता है वो क्या होता है डी मितभाषी होता है, क्या होता है मितभाषी होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बोले मधुभाषी तो वैसे तो कोई शब्द होता नहीं है, इसकी जगह जो पद होता है वो होता बेटा मृदुभाषी, मृदुभाषी का मतलब क्या होता है जो मधुर बोलता हो, जो मधुर बोलता हो या जो मीठा बोलता हो उसे हम क्या बोलते हैं मृदुभाषी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मृदुभाषी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, पद है आपका अक्ल का दुश्मन, क्या है अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन की अगर बात करें तो देखिए अक्ल का दुश्मन का मतलब पहला महामूर्ख, दूसरा महापंडित, तीसरा मित्र और चौथा शत्रु, तो हम कहते नहीं कि यार क्या है अक्ल के दुश्मन हो क्या, अक्ल के दुश्मन का मतलब क्या बहुत मूर्ख व्यक्ति से होता है, किससे होता है बहुत मूर्ख व्यक्ति से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट महामूर्ख, क्या हो जाएगा महामूर्ख। अगले प्रश्न की बात करो, अगला प्रश्न देखो बेटा, दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ आपने बताना है, इस मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, विकल्प है हाथ कंगन को आरसी क्या, बेटा इसको अगर हम पूरा लिखें तो लिख लो, ये लोकोक्ति होती है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या,
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर इसके विकल्प को देखो तो विकल्प बेटा इसमें क्या क्या आ रहा है, विकल्प की चर्चा करें तो ए आ रहा है हाथ में कंगन पहनना, बी बोलना कुछ करना कुछ, सी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, और डी नीच का सम्मान करना। तो यहाँ पर देखो हमने आपको क्या बताया था कि अगर किसी लोकोक्ति और मुहावरे में जो पद प्रयोग होता है उस पद का उसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है उसको तो हटा ही दो क्योंकि कंगन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा। अब बच कह रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब क्या हो गया, आरसी मतलब, आरसी का मतलब दर्पण से होता है कि हाथ में कंगन जो पहने उसको दर्पण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कंगन में स्वयं क्या होता है, कंगन स्वयं में उसमें शीशे और नग जड़े होते हैं जिसमें व्यक्ति क्या कर सकता है अपना स्वरूप देख सकता है, अपना स्वरूप देख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंगन पहने हैं उसको दर्पण की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब क्या है जो सामने है जो हकीकत है उसको किसी भी सबूत की जरूरत नहीं, यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, या और इसी प्रकार जो कहा जाता है पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भाषा को, भाषा जो है कोई भी हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती उसको समझना, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ लिखना है, और वो पद क्या है बेटा, यहाँ पर एक पद घट दिया हुआ है, क्या दिया है घट। अब यहाँ पर ये पद दिया कि घट, उसने एक चीज बता दी कि ये घट जो है बेटा वो क्या है, उसने बता दिया घट जो है वो अनेकार्थी पद है, कैसा है अनेकार्थी पद है। अब यहाँ पर उसने एक अर्थ दे दिया, घट का मतलब क्या होता है, घट का मतलब घड़ा होता है, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। देखो ए पहिया, बी दे और सी स्रोत और डी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर घट का दूसरा अर्थ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखो जैसे हम कहते हैं घट घट में राम समाया है, घट घट में राम समाया, तो घट घट का मतलब क्या हुआ, घट घट का मतलब हुआ प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मानव में वो ईश्वर जो है वो क्या है विद्यमान है, वो ईश्वर जो है वो विद्यमान है। और अगर हम बात करें तो इस प्रकार से घट का एक अर्थ आपके सामने क्या निकल के आया, घट का अर्थ आपके लिए निकल कर ऑप्शन बी देह, आंसर सेकंड हो गया इस प्रश्न का सही आंसर, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका दूसरा अर्थ होगा। 18वें प्रश्न की अगर हम आगे चर्चा करें तो देखिए वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वो प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वह अनेक भाषाएं जानता है, दूसरा वह अनेकों भाषाएं जानता है, तीसरा वह अनेकों भाषा जानता है, और चौथा वह अनेकों भाषा जानता है, अनेकों भाषा जानता है। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो हम कह रहे हैं अगर आपको नहीं भी आता, नहीं भी आता तो एक बहुत बढ़िया तरीका है, जरा इस प्रश्न में देखो, तो यहां पर एक ही विकल्प ऐसा है जहां पर अनेक दिया है, बाकी तीन विकल्प को जरा देखो, तीन विकल्प को देखो, यहां पर भी अनेक को दिया है, यहां पर भी अनेक को दिया है, और यहां पर भी अनेक को दिया है। अगर यहां पर अनेक दिया तो जाहिर सी बात है प्रश्न यहीं से बनना है। अब यह क्या बनना है, तो बेटा यहां पर ध्यान रखो अनेक शब्द जो होता है, ये इस शब्द को ध्यान रखना, अनेक शब्द जो होता है वो किसका होता है बेटा, ये बहुवचन का पद होता है, किसका होता है बहुवचन का। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी बहुवचन का बहुवचन नहीं बनता, अगर अनेक बहुवचन है तो उसका बहुवचन कभी भी अनेकों नहीं होगा, ये गलत होगा, बहुवचन का बहुवचन कभी नहीं बनाते, बहुवचन बनता है किसका, एक वचन का। यानी अगर बात करें तो अनेक का एक वचन क्या होगा, अनेक का एक वचन होगा एक, एक में अन्य प्रत्यय को जोड़ा, एक में अन्य प्रत्यय को जोड़ा तो बेटा ये क्या बन गया, एक में अन्य प्रत्यय को जोड़ा तो वो बन गया अनेक, यानी ये हो गया इसका एक वचन, ये हो गया इसका एक वचन, और ये इसका बहुवचन पक्का। तो यहां पर देखो एक का क्या बन गया, अनेक बन गया, एक का क्या बन गया, अनेक बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, यानी यहां पर रुक जाओ, इस प्रश्न का आंसर पहले निकाल दे, तो यहां पर क्या है, यहां पर अनेक जो बहुवचन का पद है उसका बहुवचन फिर से नहीं बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वह अनेकों
भाषाएं नहीं जानता वह अनेक। ये प्रश्न साथियों कई बार परीक्षा में आया हुआ है, अनेक शब्द को लेकर के। हमेशा ये ध्यान रखना कहीं पर भी अनेकों का प्रयोग होगा, कहीं पर भी किसका अनेकों का प्रयोग होगा तो वो पद कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो पद कैसा होगा, गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगले पद की बात करें, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ए इधर आजकल महंगाई बहुत है, इधर आजकल महंगाई बहुत है। दूसरा आजकल महंगाई बहुत है। तीसरा आजकल इधर महंगाई बहुत है। और चौथा आजकल इधर महंगाई है आजकल। अब जब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो पदों का प्रयोग होता है ना, पदों का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है, यानी निश्चित मतलब इसका मतलब यह है कहने का मेरा कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि पद में, ठीक है, पद में पदों के प्रयोग का एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित क्रम में उसका प्रयोग होता है। और दूसरी बात करें कि जरूरी नहीं है कि हम पद किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक पदों का प्रयोग करें। अगर किसी वाक्य में जरूरत से अधिक पदों का प्रयोग होता है तो ऐसे ऐसे वाक्यों में जो गलती या दोष पाया जाता है उसे हम पदाधिक के दोष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पदाधिक के दोष के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें तो देखो बेटा यहां पर पहला पद देखो तो इधर आजकल महंगाई बहुत है, आपको यहां पर इधर शब्द को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर अपनी चर्चा को समाप्त करो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि आजकल महंगाई बहुत है, आपका भाव जो है, आपका अर्थ जो है, आपकी बात जो है वो एकदम से स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये पद की अधिकता हो गई, व्यर्थ में इस पद का इस वाक्य में प्रयोग किया गया जिसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार देखो यहां पर फिर से इधर आ गया और यहां पर फिर से इधर आ गया, यानी इधर शब्द का इस वाक्य में प्रयोग का कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वाक्य होगा वो इससे रहित हो जाएगा, यानी आजकल महंगाई बहुत है। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा आजकल महंगाई बहुत है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न देखो बेटा हमारा क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी का आपने चयन करना है। साथियों चारों विकल्प को आप देख लो क्योंकि उच्चारण में ये समान ही आएंगे, उच्चारण से आपको समझना कठिन है और जब आप देखोगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर साथियों आपका सही पद जो होगा वो क्या होगा, वो सही पद जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी स्पष्टता, ठीक है, स्पृश्यता इस प्रकार से लिखा जाता है, ये मूल पद है स्पृश्यता और इसमें क्या आक उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो ये पद क्या बन जाएगा, अस्पृश्यता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अस्पृश्यता बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में आपको वो भाग का चयन करना है जो क्या हो, गलत हो। देखो ये क्या है, आपको उन व्यक्ति से मिलना चाहिए, पहला पद है आपको, दूसरा है उन व्यक्ति से, तीसरा है मिलना चाहिए और चौथा पद कह रहा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर देखो यहाँ पर पहला है आपको, दूसरा है उन व्यक्ति से, तीसरा है मिलना चाहिए और चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो अगर देखो यहाँ पर वाक्य को हम बोलें एक साथ तो आपको बात स्पष्ट होगी, आपको उनसे मिलना चाहिए, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, उनसे होता तो बात बन जाती लेकिन क्या बोलते हैं, उन व्यक्ति से, आपको उन व्यक्ति से नहीं, आपको उस व्यक्ति से, किससे, उस व्यक्ति से। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर उन के कारण यहां पे क्या हो गया, अशुद्धि हो गई, यहां पे अगर उस होता तो गलती हो गई, तो अशुद्धि आपको किस भाग में मिली, उस व्यक्ति के कारण मिली, तो उन व्यक्ति का ये भाग कहां हुआ, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी सेकंड, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन साथियों अलंकार का है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों पे मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहाग, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये पद होगा विहागरी, आंखों में भरी विहागरी, ठीक है, आंखों में भरी विहागरी, विहागरी। अब पूछा गया है कि इस जो ये जो पंक्ति लिखी हुई है इस पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इस पद में है एक करुण, बी शांत, सी श्रृंगार और डी वात्सल्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा इस पद में जो अलंकार जो रस होगा वो साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस का ये उदाहरण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का ये उदाहरण हो जाएगा। अगली बात, अगला प्रश्न देखो, जप माला छापे तिलक, सरय न एको काम, मन कोचे नाचे वृथा, सोचे रोचे राम। अब पूछा क्या गया है, इस
पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए सोरठा, बी दोहा, सी कुंडलियां और डी चौपाई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर बात देखो, जप माला छापे तिलक। अब देखो छंद को पहचानना है तो हमने आपको सबसे बढ़िया क्या बताया था, हमने आपको बता रखा है छंद को पहचानने के लिए क्या है सबसे बढ़िया, आप वहाँ पे मात्रा लगा करके देख लो, मात्राओं की गणना कर लो मात्रा लगा करके, और मात्राओं की गणना करके आप पहचान सकते हो कि कौन सा छंद है। तो हम आपके सामने मात्रा लगा रहे, जरा देखो यहाँ पर मात्रा क्या लगी, एक एक दो 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 एक एक एक, ठीक है। एक पद देखो यहाँ समाप्त हो गया, एक पद यहाँ क्या हो गया, एक चरण यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो एक दो दो एक दो दो एक, ठीक है। अब देखो दो चरणों में मात्राओं को काउंट कर ले, दो चरणों में यानी पहला पहला और दूसरा चरण हमारे सामने है, पहला और दूसरा चरण। अब यहाँ पे देखो पहले चरण में कितनी है, तो एक दो दूनी चार दूनी छः दूनी आठ दूनी दस ग्यारह बारह तेरह, कितनी मात्राएं हुई पहले चरण में, तेरह मात्राएं हुई। और दूसरे में देखो बेटा दूसरे में क्या हुई, एक तीन पाँच सात नौ, कहीं दिक्कत हो गई क्या, एक मिनट को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ग्यारह, ठीक तो आ रहे, देखो जरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह, दूसरे चरण में कितनी आई, दूसरे चरण में ग्यारह मात्रा आई। देख लो बेटा फिर से देख लो एक बार, आठ तीन ग्यारह, ठीक तो है, आठ तीन ग्यारह मात्रा आई है। तो देखो आपको मालूम है कि पहला चरण अगर इसमें तेरह आ रही है, दूसरे चरण में ग्यारह आ रही, तो जाहिर सी बात है तुमने पढ़ रखा है पहले और तीसरे में तेरह और दूसरे और चौथे में ग्यारह, दूसरे और चौथे में, और मैंने आपको याद करा रखा है कि पहले तीसरे में तेरह और दूसरे चौथे में ग्यारह मात्राएं आए। तो साथियों छंद कौन सा होता है, दोहा छंद होता है, कौन सा होता है, तो इसका आंसर आपका बी दोहा हो जाएगा। और नहीं विश्वास हो तो आप जरा देख लो नीचे वाली पंक्ति में भी अगर मैं मात्रा लगाऊं, तो देखो एक दो चार छः तो आठ 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 दो दस, ठीक है, एक ग्यारह और दो तेरह, देखो मिल गई तेरह तेरह, और यहां पर देखो तो ये हुए दो दूनी चार दूनी छः दूनी आठ दूनी दस और एक ग्यारह, दूनी दस और एक ग्यारह, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गई, तेरह ग्यारह, तेरह ग्यारह का क्रम हो गया, तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह का क्रम हो गया। तो यहां पर साथियों कौन सा छंद हो गया, दोहा छंद हो गया, कौन सा हो गया, दोहा छंद हो गया। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न कह रहा है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, ठीक है, बढ़तरे नहीं है, देखो क्या कर जाते हैं, बढ़े अंधेरो होए। अब पूछ रहा है यहां पर बेटा अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उपमा, बी अनुप्रास, सी श्लेष और डी यमक। तो समय साथी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अलंकार होगा ऑप्शन सी श्लेष, कैसे होगा, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है रहीम दास जी का दोहा कह रहा है, जो रहीम गति दीप की, क्या कह रहा है कि दीपक की जैसी गति होती है, गति का मतलब क्या होता है, दीपक जैसे जैसे बढ़ता है, कुल कपूत गति सोए, ठीक है, कुल का कपूत जो होता है, कुल का अगर कोई, कुल का मतलब हो गया कि खानदान में परिवार में अगर कोई कुपुत्र पैदा हो गया तो कुपुत्र की गति कुल में वंश में वैसी होती है जैसी दीपक की गति होती है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, दोनों की गतियां समान होती है, कैसे समान होती है, वो कहते हैं बारे उजियारो करे, ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता है क्या करता है, ठीक है, बारे उजियारो करे, जैसे जैसे वो क्या करता है, बढ़ता है, बढ़े अंधेरो होए, ठीक है, बढ़े अंधेरो, जैसे जैसे वो क्या करता है, बढ़ता मतलब बढ़ने का मतलब जैसे जैसे उसकी गति होती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो क्या करता है, अंधेरा, अंधेरा का मतलब क्या होता है, देखो दीपक जब जलता है तो जितनी देर जलता जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने अंत की ओर बढ़ता चला जाता है, अंत की ओर बढ़ता चला जाता है, और अंत होने के बाद क्या होता है, जब तक दीपक जलता है, बारे का मतलब जलना, जब जलता है इसका मतलब ऐसे देखो, बारे का मतलब होता है यहाँ पे, बारे का मतलब दीपक से हुआ जलना, और बारे का मतलब पुत्र से हुआ पैदा होना। जरा ध्यान से सुनो, बारे उजियारो करे यानी दीपक जब जलता है तब उजाला करता है, और पुत्र जब क्या होता है, पैदा होता है तो उसके पैदा होने पे खुशी मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, ठीक है, तो खुशी होती है, और
बढ़े अंधेरो होए, और जैसे जैसे वो क्या होता है बढ़ता है, तो बढ़ता है का मतलब जलने के बाद दीपक जैसे जैसे उसमें तेल खत्म होता है वो बुझ जाता है, यानी उजाले के बाद वो क्या कर देता है अंधेरा कर देता है। ऐसे ही जब कुपुत्र होता है तो पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन उसके बुरे आचरण के कारण, बुरे काम के कारण जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बुरे कामों में क्या होती है वृद्धि होती चली जाती है, और वृद्धि होने के कारण क्या होता है वो फिर आखिरी में क्या करता है अपने और अपने परिवार को कलंकित कर देता है, ठीक है, और कलंकित करता है, और उसके बाद क्या होता है अधियारे का मतलब परिवार का जो सम्मान है वो सम्मान को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर उन दोनों की गति एक जैसी दिखाई गई, यानी एक शब्द के माध्यम से अलग अलग अर्थ दिखाए गए, क्या दिखाए गए अलग अलग अर्थ दिखाए गए, तो इस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया श्लेष। ये बारे में देखो मैंने दिखा दिया, एक अर्थ हुआ जलना और एक अर्थ हुआ पैदा होना, एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ मिले, तो इस कारण से यहाँ कौन सा हो गया यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। पक्का अगले प्रश्न को देखो बेटा, अगला प्रश्न है जो दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है, आपको दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक बार यहाँ पर एक वाक्यांश का आपका प्रश्न है, तो ये क्या कह रहा है जो तत्काल कविता की रचना करे, की रचना करे उसे क्या कहते हैं, जो तत्काल कविता की रचना करे उसे क्या कहते हैं, तो विकल्प ए कवि, बी आशुकवि, सी लेखक, और डी कवि। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, मैं भी अपनी शीट में करवा चुका हूँ, आप लोगों को ये प्रश्न रट गया होगा साथियों। तत्काल कविता करने वाले कवि को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी आशुकवि के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं आशुकवि के नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों इस प्रकार से आज की क्लास के जो हमारे 25 प्रश्न थे उन प्रश्नों की चर्चा जो हुई वो कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आज का यह सत्र आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ हमारे मित्र कह रहे होंगे कि सर जी पैट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने बोला था कि पैसेज को भी करवाएंगे, तो आज हमने पैसेज को अपनी चर्चा में शामिल नहीं किया है। हाँ, उम्मीद है कि अगली कक्षाओं में हम पैसेज को भी अपने अंक में शामिल करेंगे और प्रश्नों की संख्या। साथियों क्या होता है ना, होता क्या है कि पैसेज को कराने पे जो हमारा सेशन है, ठीक है, जो वीडियो है इसका समय अवधि बढ़ जाती है, और फिर कई बच्चों का हमें यह भी सुझाव था कि सर वीडियो जितना थोड़ा सा छोटा हो उतना हम लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि उसको हम पूरा ठीक तरीके से देख पाते हैं। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्रश्नों की संख्या को संतुलित करते हुए, ठीक है, और आप लोगों की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास करें, और आप जो भी चीज हमसे अपनी मांग के रूप में रखते हैं उन मांगों को हम पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ऐसी इस वाणी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहां पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी घर में स्वस्थ रहेंगे, कुशलता पूर्वक रहेंगे और अपनी पढ़ाई को यूं ही निरंतर जारी रखेंगे। मेरे सभी साथियों को जय हिंद।